नमस्ते सदावसरे मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और हाल ही में जो सीज फायर के बारे में दोनों देशों ने समझौता किया था उससे एक बार फिर पाकिस्तान ने हाथ पीछे खींचे और आज सुबह सीमा पर गोलाबारी करना शुरू कर दिया और सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया। पाकिस्तान की सेना ने सुबह जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बीएसएफ के जवानों पर गोलाबारी शुरू कर दी। ये हमला सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में किया गया। वहीं बीएसएफ ने भी बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि गोलाबारी में भारतीय जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए संघर्ष विराम की घोषणा की थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसके बाद काफी टाइम से दोनों देशों के बीच किसी भी तरीके का सीज फायर वायलेशन नहीं किया गया। लेकिन अचानक आज पाकिस्तान की बुद्धि खराब हुई और ऐसा कहा जा सकता है कि नशे में धुत पाकिस्तान के इन नौसिखिया जवानों ने समझौतों को ताक पर रखकर गोलाबारी शुरू करी। बहरहाल जवाब तो दिया गया और उसी की भाषा में दिया गया। अगले अपडेट की बात करते हैं तो वो G7 को लेकर आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले हफ्ते होने वाली G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए लंदन जाएंगे। हालांकि कोरोना काल में भी ये G7 की पहली बैठक होने वाली है जिसमें सभी प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। इस समूह में यानी कि G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल है। इसके अलावा ब्रिटेन की विदेश नीति के तहत भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और आसियान देशों के अध्यक्ष को भी G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। हालांकि भारत में कोरोना के गहराते संकट को देखते हुए ब्रिटेन ने भारत की मदद की घोषणा भी की है। अगली अपडेट लाइट टैंक्स को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारतीय सेना ने 350 लाइट टैंकों की खरीद के लिए RFI जारी की है और ऐसे में अब दक्षिण कोरिया की हनवा डिफेंस भारतीय सेना के लिए K-21 चेसिस पर लगे 105mm टरेट माउंटेड के साथ अपने लड़ाकू वाहन को भारत को बेचने की पेशकश कर रहा है। भारतीय सेना ने 25 टन से कम वजन वाले वर्सेटाइट कॉम्बैट प्लेटफॉर्म को खरीदने की योजना बनाई है जो कि खास करके पहाड़ों के युद्ध के लिए भारत की नीति को दर्शाता है। 22 अप्रैल को RFI जारी की गई थी। रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री का इरादा है कि नई पीढ़ी के लड़ाकू वाहन प्लेटफॉर्म चरणबद्ध तरीके से लगभग 350 लाइट टैंक्स, उनके साथ ही परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक, न्यूज टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज और मेंटेनेंस के अलावा ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स आदि इस RFI के तहत मेंशन किया गया है। और आपको बता दें कि इसके लिए प्रतिक्रिया देने की जो अंतिम डेट है यानी कि लास्ट डेट है वो है 18 जून 2021। हनवा डिफेंस का कहना है कि K-21 पैदल सेना के हनवा डिफेंस सिस्टम का ये कहना है कि वाहन में K-21 पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन चेसिस पर 105mm का टरेट है जो कि इसकी मारक क्षमता और गतिशीलता को भी काफी बढ़ाता है और ये मेन बैटल टैंकों की तुलना में बेहद एडवांस और सक्षम है। हालांकि यहाँ पर अभी भी भारत के लिए ऑप्शन काफी है। इधर रशिया का लाइट टैंक है और दक्षिण कोरिया ने भी अपने टैंक की पेशकश कर दी है। हालांकि इन दोनों टैंकों में क्या अंतर है इसके लिए मैंने एक खास वीडियो पहले ही बनाया था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा टैंक भारतीय सेना के लिए बेहतर होगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो कश्मीर को लेकर आ रही है। 40 कंपनियां जो कि 4 राज्यों के विधानसभा जो चुनाव हुए थे उनके समापन के बाद इन्हें वापस कश्मीर में लौटाया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू पहुंची इन 40 कंपनियों को श्रीनगर ले जाने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों ने कहा कि इन बलों के जवानों को COVID-19 संबंधित लॉकडाउन को लागू करने के लिए पूरी घाटी में तैनात किया जा सकता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो कटक IITI को लेकर आ रही है। कटक IIT ने ड्रोन पर काम करना शुरू कर दिया है। IG ड्रोन डेल्टा 400 सीरीज जो कि काफी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है और इसमें खास करके 3 घंटे का इंड्योरेंस टाइम है और ये मिशन पर अधिकतम विवरणों को कैप्चर करने के साथ साथ हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भी दे सकता है जिसके लिए इसमें एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है। ITI की योजना अब प्रतिवर्ष लगभग 100 ड्रोन बनाने की है। आपको बता दें कि ओडिशा में खनन निगम के लिए खानों का सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन तैनात किए जाएंगे। ड्रोन सबसे प्रभावी तरीकों से इन माइंस यानी कि खानों की मैपिंग और सर्वेक्षण करेंगे। साथ ही इसका इस्तेमाल सीमा पर होने वाली गश्त से लेकर जंगल की आग की निगरानी तक के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर आ रही है। सीमा सुरक्षा बल ने 2 और 3 मई की रात को पंजाब के फिरोजपुर जिले में भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। रात के समय ये घुसपैठिए भारत की सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही जवानों को पता लगा उन्होंने इनको पहले तो वार्निंग दी और ये नहीं समझे तो उसके बाद
बीएसएफ के जवानों ने गोलीबारी कर दी। हालांकि घुसपैठिए की पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अगली अपडेट लद्दाख स्टैंड ऑफ को लेकर आ रही है। अमेरिका ने एक बार फिर से दावा किया है कि चीन ने भारत के खिलाफ J-20 स्टेल्थ फाइटर्स को तैनात कर दिया था। पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के दौरान चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को भारत के खिलाफ तैनात कर दिया था। इस बात का खुलासा अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगस्त 2020 में पैंगोंग झील के दक्षिण में स्पैंगुर झील के पास कैलाश रेंज पर भारत ने सामरिक रूप से जो टैक्टिकल हाइट्स थी उन पर नियंत्रण कर लिया था, जिसके बाद चाइना और भारत के बीच तनाव और बढ़ गया था। इस कदम से चीन की स्थिति कमजोर हो गई थी। वहीं भारत ने जुलाई 2020 में राफेल लड़ाकू विमान का पहला बैच ले लिया था। भारत के खिलाफ अपने स्टेल्थ फाइटर जेट को तैनात करने के अलावा चीन ने भारत के साथ सैन्य गतिरोध के दौरान तिब्बती पठार पर अपने हवाई ठिकानों पर बुनियादी ढांचे को उन्नत भी किया। जैसे कि पहले बताया गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया गया था और पैंगोंग झील के ठीक पूर्व में स्थित और ल्हासा के गोंगर हवाई अड्डे पर स्थित, जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा दूर नहीं है, नागरिक गुंसा बेस पर चीन दुश्मन के मिसाइलों से लड़ाकू विमानों को बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक मजबूत शेल्टर्स का निर्माण भी कर रहा है। इन शेल्टर्स के निर्माण से चीन के बेस पर लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाए जाने की योजना है। ल्हासा में चीन ने हवाई अड्डे से सटे मुख्य सतह से हवाई मार्ग करने वाली मिसाइलों को भी अपग्रेड कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने बताया कि चीन ने फ्लैंकर SU-27 के 12 अज्ञात वेरिएंट अक्साई चीन के उत्तर में होटन बेस पर तैनात किए थे और जून 2020 में सैटेलाइट इमेज से ये पता चला कि चीन ने अपने एयरबेस में करीबन 24 ऐसे विमान तैनात किए हैं। वहीं भारतीय वायुसेना ने पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को रोकने के लिए सीमावर्ती ठिकानों पर MiG-29, SU-30 और Mirage-2000 सहित लड़ाकू विमानों को तैनात किया था। यानी कि अमेरिका ने ये जो दावा किया है, आप उसमें साफ तौर पर समझ सकते हैं कि चीन की टेंशन कितनी बढ़ गई थी और उसने अपने J-20 स्टेल्थ विमान को भी भारत के खिलाफ उतार दिया था। लेकिन अभी भी हालात सुधरे नहीं है, काफी जगह फ्रिक्शन बना हुआ है और यही नहीं, चीन लगातार अपने सैन्य बेस को और ज्यादा मजबूत कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वहां पर बढ़ा रहा है। लेकिन भारत भी यहां पर कम नहीं है। भारत ने भी उसका जवाब उसी की भाषा में देना शुरू किया है और लगातार सड़कों का निर्माण जारी है। इसके अलावा हवाई ठिकानों को भी भारत ने वहां पर अपने मजबूत कर लिया है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।